सोनी टीवी लौट आया है अपने एक नए अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ वापस अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सोनी टीवी का न्यूली लॉन्च शो इंडिया वाली माँ वाकई में एक ऐसा ही शो है। काकू और रोहन की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको लगेगा कि आप अपने माँ के साथ बिल्कुल वैसा ही कहीं ना कहीं बर्ताव करते होंगे। आपकी माँ आपके लिए उतनी ही केयर करती होगी इवन इफ आप अगर उनसे बात ना करना चाहें। पर काकू यानी कि हमारी सुचिता त्रिवेदी और हमारे रोहन यानी कि अक्षय मात्रे की ये खूबसूरत कहानी आप लोगों को बहुत एंटरटेन करने वाली है। पर काकू इस वक्त बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है अपने बेटे रोहन यानी कि अक्षय मात्रे के अनएथिकल बिहेवियर के कारण। रोहन जिसको ये बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने माँ को उनका प्यार लौटाना भूल गया है। वो माँ से प्यार से बात करना, माँ को इज्जत देना भूल सा गया है। अपने काम और एक स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने की दौड़ में रोहन अपना असली रूप भूल गया है। वही चीज जब काकू रियलाइज करती है और अपने बेटे को इस हाल में देखती है तो वो टूट सी जाती है। आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि कैसे काकू रोहन के घर में आती है बिना इन्विटेशन के और वो शॉक हो जाती है। डर के मारे नहीं बल्कि खुशी के मारे वो अपने बेटे की तरक्की देखकर बेहद खुश होती है और शॉक हो जाती है। उनको इस बात का भरोसा ही नहीं होता कि उनके बेटे ने जिंदगी में इतनी तरक्की पा ली है कि इतना बड़ा घर उनके बेटे रोहन का है। काकू अपने बेटे से इस खुशी को शेयर करती है लेकिन रोहन कुछ खुश नजर नहीं आ रहा। रोहन अपनी माँ की एंट्री से खुश नहीं है। काकू इज वेरी हैप्पी टू लिव विद रोहन एंड ऑल्सो हिज ब्यूटीफुल वाइफ चिनामा। काकू अपने हर चीज से एडजस्ट करने को रेडी है लेकिन क्या ये कपल चिनामा और रोहन अपनी माँ के साथ और सास के साथ एडजस्ट करने को तैयार हैं? क्या चिनामा अपनी सास के लिए कुछ नए स्टेप्स उठाने को राजी हैं? क्या वो अपने पति की माँ के साथ एडजस्टमेंट दिखाना चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं कि काकू उनके हिसाब से चले? वेल ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। चिनू वॉन्ट्स टू अवॉइड सास बहु ड्रामा एंड हेंस वो काकू को घर से चले जाने को बोलती है। वो चाहती है कि काकू घर से निकल जाए ताकि वो अपनी लाइफ अपने पति रोहन के साथ अच्छे से जी सके। एक पार्टी के दौरान रोहन काकू को साफ साफ कह देता है कि वो घर में अपने कमरे में बंद रहेंगी ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना सहनी पड़े कि बिजनेस डेलीगेट के सामने। काकू इस बात से काफी हर्ट हो जाती है, इंसल्टेड फील करती है, उनका दिल सा टूट जाता है। उनको लगता है कि रोहन कब इतना बदल गया। उनका बेटा जो अपनी माँ के पल्लू को पकड़ के चलने में विश्वास रखता था आज वो इतना कैसे बदल गया कि वो अपनी माँ को साफ कहता है कि आप कमरे से बाहर मत आइएगा वरना आपके कारण मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरे बिजनेस डेलीगेट के सामने। वेले काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे काकू रोहन को उनकी अहमियत समझाएगी, काकू रोहन को रिश्तों की अहमियत समझाएगी और वहीं दूसरी ओर कैसे वो चीनू को ये समझाएगी कि जितना जरूरी पति और पत्नी का साथ रहना है उतना ही जरूरी माँ बाप का अंश और उनका आशीर्वाद उनकी जिंदगी में रहना भी है। पर ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड हमें बेहद पसंद आने वाले हैं इंडिया वाली माँ के। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा सोनी टीवी का ये न्यूली लॉन्च शो। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड टू टेली चॉकर फॉर ऑल द मोर अपडेट्स फॉर द टेली वर्ल्ड। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.